संभल पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश व एक दरोगा घायल। संभल 15,000 का इनामी बदमाश व एक एसआई दरोगा घायल, हॉस्पिटल में कराया भर्ती। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी भागने में सफल, कमिंग जारी। संभल कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र का मामला। पतरिया रोड पर सूचना मिली कि कुछ अपराधी इधर से निकले जा रहे हैं, जिसकी घेराबंदी की गई। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, पर अपराधी इनामी बदमाश नहीं रुके, जिसमें पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें एसआई देवेंद्र कुमार घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अपराधी का नाम जाखी उर्फ चूहा बताया जा रहा है, जिसमें 14-15 केस हैं और कई मुकदमों में वांछित चल रहा है। इसमें 15,000 का इनामी बदमाश है, अपराधी घायल हुआ है। इसका एक साथ ही मौके से फरार हो गया। उसकी कॉबिंग जारी है, जिसमें बरामद हुआ है एक सफेद बाइक अपाची, एक तमंचा और कुछ कारतूस मिले हैं। और जंगल में काविंग जारी है, जिसमें मौके पर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ गुन्नौर, कई थाने की पुलिस मौजूद है। पतरिया रोड पे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इधर से निकल रहे हैं, जिसकी घेराबंदी की गई। इनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन रुके नहीं। इन लोगों ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक एसआई देवेंद्र घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ और उसको अभी इलाज के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल में। अभी जो पता किया गया है, बेसिक जानकारी उसके बारे में मिली है, वो जाकिर उर्फ चूहा करके नाम है उसका। और 14-15 केसेज उसके लूट और सीएस एक्ट के मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था वो हमारे थाना नखासा क्षेत्र से। 15,000 का इनामिया ये अपराधी है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था। अभी उसको घायल हुआ है, हॉस्पिटल भेजा गया है, और हमारा एसआई भी जो घायल हुआ हॉस्पिटल गया है। और बाकी उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। उसकी कॉम्बिंग जारी है। एक बाइक सफ़ेद अपाचे मिली है और एक तमंचा मिला है, कई सारे कारतूस मिले हैं। इन सभी को अभी ऑन स्पॉट उसको पैक किया जाएगा, फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। बाकी कॉम्बिंग जारी है, उसके साथी की तलाश की जा रही है। अकेला ही था सब साथ में? कोई एक साथी और था, उसका मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग चल रही है।